अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन का बी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बता रहे हैं, रुकी हुई हालत से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो। जब भी रेस्ट से कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, या रेस्ट में आ जाती है तो भी जीरो हो जाती है, क्योंकि टाइम गुजरे जा रहा है, फासला कोई तय नहीं हो रहा, तो जीरो मीटर पर सेकेंड स्पीड है। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, खुद बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड का। फाइंड आउट द टाइम, अब आपने क्या मालूम करना है, टाइम क्वेश्चन मार्क। ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो दिया गया है वो है 50 मीटर। सॉल्यूशन की एडिंग डालेंगे अब हम, क्योंकि सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है एस वी आई ए और टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चार में से 3 पैरामीटर दिए गए हैं, आपको चौथा मालूम करना है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कि जब भी मैं वर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाते हुए इसको डिस्टेंस कहता हूँ, आपने याद रखना है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कभी डिस्टेंस नहीं बताती, कभी डिस्टेंस नहीं बताती, ये डिस्प्लेसमेंट ही बताती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कभी स्पीड नहीं बताती, वेलोसिटी बताती है, और टाइम तो होता ही होता है स्केलर है, और एक्सेलरेशन होता ही वेक्टर है, इससे हम स्केलर मालूम कर सकते हैं, वो फिर आगे की बात है। सो फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको, मुझे क्या मालूम करना है प्यारे बच्चों, टाइम मालूम करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टाइम को सेपरेट करना पड़ेगा, सो टाइम को हम इस तरह डायरेक्टली सेपरेट नहीं करते, क्योंकि टाइम यहाँ पर क्वाड्रेटिकली मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो आपको वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो आप पहले वैल्यूज पुट कर लें, बाद में ऑटोमेटिक टाइम को आप सेपरेट कर सकते हैं इजीली। कैसे, डिस्टेंस की जगह, फिर वही डिस्टेंस कहूंगा तो डिस्प्लेसमेंट समझना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख दें 50 इक्वल वी आई क्या है आपके पास 0, और टाइम तो आपने पता करना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 5 और टी का स्क्वायर जो कि मालूम करना है आपने, ये रह जाएगा 50 इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2.5 टी स्क्वायर, 0 में जब ये ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 इक्वल 2.5 टी स्क्वायर, 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आकर 50 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5 टी स्क्वायर, इसको आप चाहें तो सीधा करके लिख दें, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5 20। अभी जो आया है टी स्क्वायर आया है, आपको स्क्वायर नहीं पता करना, आपको तो टाइम पता करना है, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे फर्दर लिख देता हूं, टी बराबर आ जाएगा रूट 20 होता है 4.47, टाइम की यूनिट अब एंड में लिख देंगे सेकंड। तो इस तरह से इतने टाइम में, ये इतने एक्सेलरेशन के साथ जब स्टार्ट होता है रेस से 50 मीटर फासला इतने टाइम में तय कर लेगा, ये आपका आंसर है।